एवरीवन, कैसे आप लोग? मेरे दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि अवध यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आपके एमएड के एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और एक टेंटेटिव एग्जाम्स डेट जुलाई में बता दी गई है कि जुलाई में आपका एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस क्या होते हैं, किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे मैं एक चीज यहाँ पे कह दूं कि हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व नहीं करेंगे, हम जस्ट देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व हम सेपरेट वीडियोस में करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके सिलेबस के बारे में, किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, कितने घंटे का पेपर होता है, ये सारी चीज़ें हम एक बार आउटलाइंस को हम देखेंगे। सो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अवध यूनिवर्सिटी एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें, अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन अवध यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर किया था जब पिछली बार 2023 में पेपर हुआ था एंट्रेंस एग्जाम्स एमएड का, तो सेम एज इट इज़ लिखा हुआ था। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम जो होता है दोस्तों, आपको पता है कि कम्प्लीटली MCQ बेस्ड होता है, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन जो चॉइस होते हैं उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। इस 180 मिनट्स का ये पेपर होता है, लगभग 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। एक नंबर का ये पेपर होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, और द नंबर ऑफ द क्वेश्चन द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स नीचे दिए गए हैं। एमएड की अगर हम बात करें तो एमएड में टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। कितने भाई? 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप 125 प्लस क्रॉस करते हैं, अगर 130 क्रॉस करते हैं, तो बहुत ही सेफ आपको कैंपस मिल जाएगा, जो कॉलेज चाहेंगे वो मिल जाएगा। 135 अगर क्रॉस करते हैं बहुत सेफ मार्क होता है। बाकी दोस्तों, अगर 125 से अबव जाते हैं तो इजीली आपके अच्छे कॉलेज मिल जाए। अच्छे कॉलेज तो सारे अच्छे हैं, मगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं जहाँ पे फीस कम हो, केवल 2 ऐसे कॉलेज हैं, तो टॉप 30 के अंतर्गत आपको रैंक लाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका वहाँ पे कम फीस में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस, जिस पर मैंने बात करा था कि सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए, टोटल आपके 15 टॉपिक आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए निर्धारित हैं। अब इन 15 टॉपिक से लगभग आपको टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो दोनों 200 क्वेश्चंस एक एक नंबर के होते हैं, टोटल 200 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं। पहला क्या है दोस्तों? एजुकेशन फिलॉसफी, जिसको हम शिक्षा दर्शन कहते हैं। शिक्षा दर्शन से आपके 10 सवाल पूछे जाते हैं। अब शिक्षा दर्शन में क्या पूछा जाएगा? अब एग्जांपल के तौर पे किसी परिभाषा, किसी शिक्षा दर्शन के बारे में कुछ कहा गया हो तो वो परिभाषा डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी के बारे में पूछ लेगा, स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन तरीके के लोगों के बारे में यहाँ से सवाल पूछ लेता है। शिक्षा का समाजशास्त्र, देखिए शिक्षा का अगर समाजशास्त्र के 4-5 परिभाषा अगर आप याद कर लेंगे, जैसे कि शिक्षा समाज, समाजशास्त्र क्या है भाई, एक जाल है, इस तरीके से जो परिभाषा किसने दिया था, इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाए। समाजशास्त्र का भाई संबंधों का जाल है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी से सवाल आपके 10 पूछे जाते हैं। अब एजुकेशन साइकोलॉजी से जीन पियाजे पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर, या फिर नॉर्मल साइकोलॉजी की परिभाषा पूछ ली जाती है, ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछ ली जाती है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ICT पे सवाल 10 नंबर के रहेंगे। भारतीय शिक्षा का इतिहास, भारतीय शिक्षा के इतिहास में बस वो वैदिकालीन शिक्षा के बारे में हो गया, बौद्धिकालीन शिक्षा के बारे में हो गया, या फिर मैकाले, गुट घोषणा पत्र और गोखले बिल, इस तरीके के सवाल NCF के बारे में पूछा जाएगा, NEP के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास, करिकुलम के कुछ सिद्धांत होते हैं उससे संबंधित सवाल आपसे पूछा जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य शिक्षा में 1-2 सवाल तो आपको विटामिन से मिल जाएंगे कि विटामिन की कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है, इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाएंगे, या फिर किससे कौन सा बीमारी होती है, हाइजीन क्या होता है, इस तरीके के आसान सवाल होते हैं। ये सारे सवाल बहुत मुश्किल नहीं होते। पर्यावरण शिक्षा और शिक्षा का पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट से आपके, एजुकेशन मैनेजमेंट से आपके 10 सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। मापन और मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, मापन क्या होता है, ठीक है। और शिक्षण अभिरुचि, ये दोस्तों 50 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और ये जो 50 नंबर रहता है काफ़ी इजी होता है, मतलब इतना टफ नहीं होता, तो यहाँ से 50 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ये उतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से आपको 50 नंबर के सवाल आपके देखने को मिलते हैं। वो सवाल क्या है कि टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि में इस तरह के सवाल पूछा जाएगा कि कोई बच्चा ऐसी गतिविधि करता है इसमें आपका परिणाम क्या होगा, या फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर को, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। शोध अभिरुचि, ठीक है, रिसर्च से संबंधित। तार्किक परीक्षण, यहाँ पे लॉजिकल जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग बहुत आसान होता है, 10 नंबर रीजनिंग बहुत ही अच्छे लेवल का होता है और आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है। करंट अफेयर 10 नंबर का तो मतलब हाई लेवल का होता है, करंट अफेयर जो होता है ना, वो यू समझिए UPSC लेवल का होता है, ठीक है।
अच्छे लेवल का था सर, जनरल नॉलेज भी ठीक ठाक होता है, जनरल नॉलेज में भी मतलब अच्छे लेवल का होता है। तो ये जो करंट अफेयर जनरल 30 नंबर का सवाल है, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, बाकी ये जो सवाल है वो बहुत ही ईजी होते हैं। अब यहाँ पर टोटल 200 है दोस्तों, 200 में 100 तो सब पा जाते हैं, मोस्टली बच्चे 100। लड़ाई कहाँ होती है, लड़ाई होती है 100 के बाद से और 125 तक मान लीजिए या 120 तक, यहाँ पे मेन लड़ाई होती है। एक मैं पिछले अगर अनुभव के आधार पे बता दूँ तो लगभग 1000 बच्चे फॉर्म देते हैं और एडमिशन सबका हो जाता है, एडमिशन कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाता है। लेकिन उन 1000 बच्चों में अगर आप टॉप में रैंक लाते हैं, 30 रैंक या फिर थोड़ी सी वो रिजर्वेशन की भी यहाँ पे बात होती है, तो अगर आप इसके अंतर्गत रैंक लाते हैं तो आपको जो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और मेरी जानकारी के अनुसार 2 गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ की फीस कम है, 6000 के आसपास है, 10000 से कम है पूरे साल की, तो वो बहुत ही फायदा हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ तक तो बात हो गई, अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल सुझाव मशवरा कोई भी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, बाकी ये फेसबुक है, ये टेलीग्राम है और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। बाकी मुझे खुशी होगी क्योंकि इंस्टा पे आप आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैसेज करना आसान होगा और मुझे वहाँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम एक काम कर लेते हैं, जो पिछले साल 2023 में क्वेश्चन पेपर आए थे आपके एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ और अवध यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड, भाई कई सालों से मैं कई साल में पिछले सालों से इसको संभाल के रखा हूँ मैं, ठीक है, बस आप ही के लिए। तो 2023 में कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक, और कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए रहेंगे, ABCD, ये तो बहुत कॉमन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर आप हम शुरू से बात करें तो शुरू आपसे GS नहीं, ये तो सेट पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे 4 सेट में डिवाइड होगा पेपर, तो शुरू कहाँ से होगा ये कोई नहीं बता सकता। ये देखिए बुकलेट सीरीज की बात करें तो ए नंबर की सीरीज है, तो कहाँ से डिसाइड होगा इसके बारे में, तो कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा इसके बारे में तो नहीं कह सकते, मगर जो हमें टॉपिक बताया था ना वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ जैसे कि यहाँ से देखिए, हाँ जैसे 98 नंबर से देखेंगे आप तो किसने कहा था कि शिक्षा दर्शन की समस्याएं अध्ययन दर्शन का प्रयोग है, ठीक है, तो यहाँ पे दर्शन से 10 सवाल आपको मिलेंगे। सांख्य दर्शन, किन दर्शनवादी ने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो, किस दर्शन ने कहा था, तो प्रकृतिवाद ने कहा था, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, इससे कम से कम 2-3 सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे कि शिक्षावादी ने बालक की तुलना इंग्लिश में भी, हाँ एक और चीज़ मैं भूल गया था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप वहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। किस शिक्षावादी ने बालक की तुलना सीट से की थी, बीच से की थी, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है इसमें से पूछ रहा है, इस तरीके से आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आपका दर्शन यहाँ पे ख़त्म होगा दोस्तों, दर्शन के बाद आपका यहाँ पे समाजशास्त्र हो जाएगा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा था, मेकावर एंड पेज ने कहा था, ठीक है, मेकावर एंड पेज ने कहा था, जैसे मैंने बताया समाज क्या भाई, समाज साथ संबंधों का जाल है, तो इन्होंने कहा था ये सवाल। ये तो मतलब मैं अगर कई सारे यूनिवर्सिटीज के एमएड एंट्रेंस है तो ये सवाल फिक्स, क्योंकि समाज शास्त्र लिमिटेड रहते हैं और ये काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जॉन डीवी ने और 3 डायमेंशंस का फॉर्मूला दिया था, एडम्स ने 2 डायमेंशंस का फॉर्मूला दिया था, तो इस तरीके से सवाल आपको अक्सर मिल, जॉन डीवी से हमेशा सवाल दोस्तों यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे। किसने विद्यालय का समाज का लघु रूप बताया था, तो इस तरीके से देखेंगे। अगर मैं आपको वो दिखाना चाहूँ जो हम मैं कह रहा था कि हाँ ये क्या मैं कह रहा था कर वो दिखाता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग दिखाता हूँ। रीजनिंग में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा सवाल पूछा जाता है, इतना टफ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कहाँ गया रीजनिंग का पार्ट कहाँ गया, अब यहाँ से रीजनिंग पार्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा, थोड़ा सा मैं और यहाँ पे करता हूँ रिसोर्सेस कम, अरे कहाँ चला गया, ये रहा, हाँ एक पिता की उम्र, इस तरीके के सवाल पूछे गए थे, ठीक है, कि एक पिता की जो उम्र है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 9 गुनी तथा माता की उम्र 8 गुनी और पिता माता का उम्र का योगफल क्या होगा। तो ये देखो जो लॉजिकल रीजनिंग होगा वो इतना टफ नहीं होगा, वो आप आराम से कर लेंगे। इसमें जो फाइंड आउट द ऑड, इसमें जो अलग है जैसे ग्राम, लीटर, टन, क्विंटल, तो आप ये देखेंगे ये दोनों वेट है जबकि ये लिक्विड मेजरमेंट है, ठीक है, लीटर, तो इस तरीके से अलग हो जाए, तो रीजनिंग ईजी आता है, ठीक है। इसमें भी अलग बताना है, टमाटर, प्याज, भिंडी, मिर्च, तो इसमें क्या हो, जैसे मुझे टमाटर, भिंडी और मिर्च ये हरी सब्जियां हैं, सब प्याज भी है बट ये क्या है, या फिर इसके अंदर आप एक और लॉजिक लगा सकते हैं कि ये तीनों पार्ट जो होते हैं वो जमीन के ऊपर उगते हैं जबकि प्याज जमीन के नीचे उगते हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक। वैसे ही प्रोफेशनल शब्दों में से
कौन सा अंक यहाँ पे नहीं बन पाएगा, इसमें आपको ये देखना है कौन सा नहीं बन पाएगा। तो मुझे लगता है इसमें एम नहीं है, एम नहीं है तो नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं एक काम करूँगा एमएड वालों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस मैंने बताया आपको और एक छोटा सा लेआउट दिखा दिया आपको क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे जाते हैं। अब हम एक काम करेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो भी 2023 के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मुझे आपको इजाज़त देना पड़ेगा। सो फॉर इन दिस, मतलब इस वीडियो में बस इतना ही। विल मीट इन अनदर वीडियो एंड विल डिस्कस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स RMA जो 2023। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। कमेंट में अगर कोई सुझाव, सलाह, मशवरा, कोई शिकायत हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हाँ, इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाँ, अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे अपनी मेल आईडी दीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से जुड़ के मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। ग्रुप में तो ऑलरेडी भेजा जा चुका है, बाकी जैसे भी आप मुझे ईमेल आईडी देंगे तो मैं वहाँ पे भेज दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एमएड ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। फॉर्म भर लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर देखिए, और एक बार जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी थी ना, चाहे वो एजुकेशन साइकोलॉजी हो, फिलोसफी हो, इसकी परिभाषा को एक बार लिख लीजिएगा। कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि किसकी कौन सी फेमस किताब है, वो आप देख लीजिएगा और सवाल आपसे पूछा जाएगा। मेरी तरह से, मेरे लेवल से जो भी हेल्प हो पाएगा एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बट फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमएड 2023 में जो पूछा गया, ठीक है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए चैनल से, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो देखने के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा। सर जय हिंद, जय भारत।